नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल में आपका स्वागत है। आज हम रोहित गोयल जी की डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड करेंगे। तो स्क्रीन पर आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं। इनका मूलांक 4, भाग्य अंक 5 है, राहु और बुध। बर्थ डेट 31, तीन गुरु एक सूर्य को मिलाकर राहु बना है। तो इनका स्वभाव राजाओं जैसा होगा। किसी की मदद करना, सलाह देना, हुक्म करना, धर्म को मानना, ऐसे इंसान ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी में होते हैं। 3-1-4 बनने से जबरदस्त इंट्यूशन पावर होती है। लोगों को अपनी बात से प्रभावित करना, जुगाड़ लगाना, नशा करना, लॉटरी सट्टा लगाना, अपनी पर्सनैलिटी से सामने वाले लोगों को प्रभावित करना, 3 नंबर की वजह से माथा चौड़ा, 1 नंबर की वजह से चेहरे पे निखार या लालगी, राहु की वजह से मदहोश आँखें, ऐसे इंसानों से लोग धोखा भी खा सकते हैं। इनके देखने से नहीं लगता कि ये क्या है, लेकिन अगर कुंडली में ये तीनों ग्रह नीच के हों या बुरे ग्रह की दृष्टि इन पर हो, तो ये धोखेबाज, बेवकूफ़ बनाना, स्कैंडल करना और चोरी तक कर सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि 5 नंबर बुध बुद्धि का भी है। इनकी वाणी बहुत मधुर होगी। कुल मिलाकर इनकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। सर, पहली बात यह है कि 4 और 8 नंबर स्ट्रगल करवाता है। कम से कम 32 साल से काम बनना शुरू होते हैं, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। बाकी अंक भी देखने पड़ते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद धन जरूर आता है। 111 लोगों से संपर्क बनाएगा, लेकिन कभी कभी आप अकेला शांत रहना भी पसंद करेंगे। 99 गुस्सा, जोश, कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है। सेना में नौकरी के चांस, मर मिटने का जज्बा होता है। 4-3-8 थॉट प्लेन है, विचार शक्ति का, ये नए नए आइडियाज लाता है। 8 नंबर जमीन जायदाद का भी है और इंसान को परफेक्शन देता है। 5 नंबर बुध जीवन, व्यापार, शादी को सेट करता है। 2-7-6 एक्शन में लाता है, 2-7-6 मिस है। आप सोच विचार नहीं कर सकते, बुद्धि भी है। 4-3 की वजह से प्लानिंग भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन 2-7-6 मिस की वजह से उस काम को कर नहीं पाते। और दूसरा कारण ये है कि राहु अपने लग्न चार्ट में पहले घर यानी कि स्वभाव पर्सनैलिटी में बैठा है और केतु शादी बिजनेस पार्टनर के घर में। राहु आप पर छाया हुआ है, जो कि अच्छी स्थिति में हो तो छप्पर फाड़ कर धन देता है और खराब स्थिति में हो तो शराबी याशी बनाता है, शादी में प्रॉब्लम खड़ी करता है या घरवाली से लड़ाई करवाता है, गाली गलौच भी करवाता है। मुंह में जो आए बोल देना, जिससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं। अगर आपका अपनी पत्नी के प्रति प्यार होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैसे, देखिए 7 नहीं है। राहु के हिसाब से 4 नंबर 7 नंबर को ढूंढता है, क्योंकि ये राहु का दूसरा भाग है। राहु सर है, केतु धड़। ऐसे लोगों के कई बार शादी के बाद काम बनते हैं, क्योंकि राहु का काम है मन भटकाना। जब शादी हो जाती है तो उसका मन बुद्धि भी काम करने लगती है। पति पत्नी में झगड़ा राहु का कारण है। यहाँ पर 2 दिल अलग हो जाते हैं, तो इसके कुछ उपाय होते हैं। घर की कोई भी वस्तु अधूरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि आपका पेन बिना कवर के नहीं होना चाहिए। हम इन चीज़ों को नहीं मानते और भगवान को दोष देते हैं। आपका मूलांक 4+9+9+9=31, 31+9=40। तो 31 और 40 की उम्र में आपके काम बनेंगे। दूसरा, 34 साल में 4 आता है। तीसरा, आपकी DOB को 31-10-1999 की जगह 31-10-2024 कर दें तो DOB का जोड़ 4 आता है, तो 2024 भी लकी है। चौथा, भाग्य अंक 5+9+9+9=32, 32+9=41, 32 या 41 साल की उम्र भी अच्छी है।
केतु कर्क राशि में सातवें घर में है। शत्रुओं से भय रहता है, मित्रों से कष्ट, खर्च ज़्यादा होता है, बेकार में धन जाता है, जल का भी भय रहता है। सूर्य मंगल बुध दसवें भाव में है। आपके अच्छे दिन आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे, आप घबराएं ना, आशावादी बने रहें। गुरु छठे भाव से बारहवें भाव खर्च भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि अच्छी है, पुत्र और पोत्र का सुख मिलेगा। छोटे कामों से अधिक पैसा आ सकता है। गुप्त काम जैसे ज्योतिष भी आप कर सकते हैं, फिजूल के खर्चे भी हो सकते हैं। शरीर के किसी एक अंग में भी समस्या हो सकती है। आप दानवीर कर्ण की तरह हैं। दान करने से आपको खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। आपका कुआ नंबर 2 है। हथेली के निचले भाग में लिखें, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसे हर रोज हरे पेन से बाएं हाथ में लिखें और जब भी वक्त लगे देखते रहें। शुभ अंक 4 है। दिशा पूर्व, स्वामी ग्रह राहु, शुभ रंग नीला। जुलाई से सितंबर महीने अच्छे हैं। आप इंजीनियर, लेक्चरर, रेलवे, खदान का काम, तकनीकी कार्य कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है घर का साउथ वेस्ट वाला भाग साफ रखें। यहाँ पर जल से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए, जैसे नीला, काला, हरा रंग या इस रंग की वस्तु ना रखें। पहाड़ों वाली सीनरी या पेंटिंग लगाएं। ध्यान रहे उसमें पेड़ और जल नहीं होने चाहिए। बाथरूम, टॉयलेट या गटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी काम करना है उसका सामान साउथ वेस्ट साउथ दिशा में रखें। नॉर्थ दिशा से अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है। वहाँ अग्नि की कोई भी वस्तु ना रखें, जैसे रसोई नहीं होनी चाहिए और कोई भी लाल वस्तु जैसे रसोई सिलेंडर या कोई भी लाल वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो रोहित गोयल जी, ये थी आपकी DOB की प्रेडिक्शन। तो आज के लिए इतना ही। किसी को भी वीडियो बनवाना है या जीमेल द्वारा उत्तर पाना है तो आप मेरी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।